आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस एक्सचेंज से कोई भी क्रिप्टो कॉइन आप सिलेक्ट कर ले, चाहे वो यूएसडीटी का हो, सोल का हो या बिटकॉइन ही क्यों ना हो, उसको आप बायबिट की एक्सचेंज में बिल्कुल फ्री में कैसे बेच सकते हैं। वो इस तरह हम कर सकते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज ने BEP20 नेटवर्क को बिल्कुल फ्री कर दिया है बाइनेंस पे, यानी कि आप बाइनेंस से किसी भी एक्सचेंज पे BEP20 का नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं तो वो आप बिल्कुल फ्री में सेंड कर सकते हैं, उसकी कोई भी आपको फी नहीं लगेगी यहाँ पे। और काफ़ी एक्सचेंजेस ऐसे भी है जहाँ पे आप BEP20 नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं तो आपको फ़ी नहीं लगती वहाँ पे भी, और फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनेंस एक्सचेंज पे आप बायबिट एक्सचेंज पे कैसे बेच सकते हैं क्रिप्टो कॉइन, चाहे वो कोई भी कॉइन हो, बिल्कुल फ्री में इसको कैसे सेंड कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर किसी टाइम वेस्ट के। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर ले चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है वो $97,000 चल रही है। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा क्रिप्टो का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई उसकी फ़ी वगैरह नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना है USDT, मैं आपको यहाँ से USDT ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि आपके पास कोई और कॉइन हो मगर वे जो है वो सबका एक ही है, ठीक है। अब कॉइन को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा वॉलेट में। जैसे ही वॉलेट में आएंगे तो देखो यहाँ पे स्पोर्ट है, फंडिंग है, अर्न है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सिंपली ओवरव्यू पे आ जाएं और यहाँ पे देखें विदड्रॉ का बटन है, तो विदड्रॉ के बटन को आप प्रेस करें। जैसे ही विदड्रॉ के बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये दो चीज़ें आ जाएंगी, P2P ट्रेडिंग और विदड्रॉ। तो P2P में सिंपली ये होता है कि यहाँ से आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन अपना सेल कर सकते हैं और उसकी जो अमाउंट है वो अपने बैंक्स वगैरह में ले सकते हैं। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आपको बाइनेंस की मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पे, तो आपको सिलेक्ट करना होगा विदड्रॉ। विदड्रॉ को प्रेस करें। जैसे ही विदड्रॉ को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कॉइन की लिस्ट आ जाएगी, जिस जिस कॉइन में आपका अमाउंट पड़ा होगा वो सारी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो वो कॉइन आपको सिलेक्ट करना है जिस कॉइन को आप यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपको समझाने के खातिर यहाँ पे USDT ट्रांसफ़र करूँगा बायबिट एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे USDT को सिलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया USDT। जैसे USDT को आप प्रेस करेंगे तो देखें एक बार आपके पास दोबारा दो ऑप्शन आ गए, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, सेंड विया ईमेल फोन आईडी। अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क। सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क क्या होता है कि हम यहाँ पे जाहिर बात है कोई ना कोई नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बताया था कि BEP20 नेटवर्क बिल्कुल फ्री चल रहा है बाइनेंस पे, उसी को हम यूज़ करेंगे। और नीचे है सेंड विया ईमेल फोन आईडी। ये बेसिकली होता है कि अगर आप एक बाइनेंस के अकाउंट से दूसरे बाइनेंस के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये वाला सिलेक्ट होता है। ये भी बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फ़ी नहीं होती, इस पर भी वीडियोज ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क और उसके बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होता है, नेटवर्क है, विदड्रॉल अमाउंट है। अब यहाँ पे एड्रेस से पहले सबसे पहले आपको देखना होता है कि नेटवर्क कौन से अवेलेबल है, क्योंकि नेटवर्क इस एक्सचेंज पे, बाइनेंस पे और बायबिट एक्सचेंज पे जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करेंगे, दोनों एक्सचेंज पे आपको सेम ही सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि अगर नेटवर्क आपने कोई और सिलेक्ट कर लिया तो जो आपके अमाउंट है वो यहाँ से लॉस हो जाएंगे। तो नेटवर्क हमेशा आपको सेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेटवर्क पर आ जाते हैं तो नेटवर्क पे देखें यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क अवेलेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें सबसे पहले यही आ रहा है BNB स्मार्ट चेन BEP20। जो भी नेटवर्क होता है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसकी फ़ी लिखी हुई है, मिनिमम विदड्रॉल आप कितना कर सकते हैं, अराइवल टाइम क्या है, यानी कि कितनी देर में आपके दूसरे अकाउंट में, दूसरे एक्सचेंज में या दूसरे वॉलेट में जहाँ पर भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कितने टाइम में पहुँच जाएगा। तो BEP20 की फ़ी जो है यहाँ देखें 0 USDT लिखी हुई है, मिनिमम विदड्रॉल यहाँ पर 10 USDT है, अराइवल टाइम क्या है कि आपका 4 मिनट का अराइवल टाइम है। उसके बाद OP BNB, ये भी BNB का नेटवर्क है, इसमें मिनिमम विदड्रॉल 20 USDT है। अगर ट्रॉन पे आ जाते हैं TRC20, जो कि अक्सर लोगों ने यूज़ किया है, वो करते भी हैं और हर एक्सचेंज पे अवेलेबल भी होता है, तो उसकी फ़ी 1 USDT होती है, मिनिमम विदड्रॉल टाइम होता है वो 10 USDT होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ से नेटवर्क सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमेशा नेटवर्क को जो है वो वाइजली सेलेक्ट किया करें, खास करके अगर आप किसी वॉलेट पे सेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप वॉलेट से पैसे निकलवाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको देनी पड़ती है नेटवर्क फ़ी, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम सिलेक्ट करते हैं BEP20, बिल्कुल फ्री है, मिनिमम 10 USDT हमें ट्रांसफ़र करने होंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एड्रेस। अब यहाँ पर आपको चाहिए होगा USDT का एड्रेस जो कि BEP20 नेटवर्क का हो, जो हम गेट करेंगे बायबिट की एक्सचेंज से। चलते हैं बायबिट की एक्सचेंज पे, वहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ। ले आ जाते हैं बायबिट एक्सचेंज पे, ठीक है।
ये मैंने अपने पास बायबिट एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली, एसेट में आ जाए। और यहाँ पे देखें हमें करना है डिपॉजिट, डिपॉजिट के बटन को प्रेस करना है और वो कॉइन सेलेक्ट करना है जो आप बाइनेंस से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यार वीडियो भी देख रहे हैं, समझ में आ रही है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की आपको मजीद वीडियो मिलती रहें। यहाँ पे प्रेस करते हैं डिपॉजिट के बटन को। जैसे ही डिपॉजिट का बटन आपने प्रेस किया, उसमें आ जाता है बाय क्रिप्टो विथ फियाट या डिपॉजिट विथ क्रिप्टो। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है भाई डिपॉजिट कर रहे हैं हम, बाइनिंग कर रहे हैं, डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट क्रिप्टो पे आ जाए। उसके बाद आपको वो कॉइन सिलेक्ट करना है जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा यूएसडीटी। यूएसडीटी सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आपके पास देखें सारी नेटवर्क की लिस्ट आ गई। तो नेटवर्क आपको वो सिलेक्ट करना है जो आपने बाइनेंस एक्सचेंज पर सिलेक्ट किया था। बाइनेंस एक्सचेंज पर आपने सिलेक्ट किया था BP20, तो यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है BP20। BP20 को प्रेस करते हैं, ओके करते हैं और ये देखें आपका एड्रेस मिल गया, नेटवर्क आपका BP20 हो गया। उससे नीचे आपसे पूछता है कि भाई इसको डिपॉजिट कहाँ पे करना है। जैसे ही आपका डिपॉजिट होता है बायबिट एक्सचेंज पे, तो उसको डिपॉजिट आप फंडिंग में करेंगे भाई, ट्रेडिंग में करेंगे। मैं बोल रहा हूँ भाई फंडिंग में, ओके है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, एड्रेस आपका कॉपी हो गया और अब इसको हम लेके चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे। अगर आप किसी और को एड्रेस भेज रहे हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हमेशा एड्रेस कॉपी करके और उसका स्क्रीनशॉट भी अगले बंदे को दिया करें। ये आपके पास एज अ प्रूफ हो जाता है कि भाई यहाँ से ही मैंने कॉपी करके दिया है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। और ये बार कोड भी मिल जाता है स्कैन करने के लिए, इसको कॉपी करें और आ जाए बाइनेंस एक्सचेंज पे। ये बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन आ गई, यहाँ पे अब हमें एड्रेस डालना है। ठीक, एड्रेस आ गया। अब मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 10 USDT ट्रांसफ़र करने हैं, ओके है, 10 USDT यहाँ पे करते हैं। 0 USDT आपको फ़ी लगेगी और विदा के बटन को प्रेस करते हैं। उसके बाद ये आपके पास एक कंफर्म ऑर्डर आ जाता है कि भाई आप यहाँ से 10 USDT ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नेटवर्क आपने ये सिलेक्ट किया है, एड्रेस आपका ये है, विड्रॉल अमाउंट ये है। जैसे कि अक्सर अवकात बैंक में होता है कि फाइनल कंफर्मेशन आपके पास आ जाती है कि भाई इस अकाउंट से इस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इतना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें जो भी लिखी होती है वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर मिलती है। वॉलेट आपका स्पॉट है, उसके बाद कन्फर्म करें अगर सारी चीज़ें यहाँ पर ओके है। अब उसके बाद ये देखें सिक्योरिटी कन्फर्मेशन आती है, यानी कि आपके ईमेल पे या फ़ोन नंबर पे कोड आता है, वो आपको वेरीफाई करना होता है, यहाँ पे लगाना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि पता लगे कि भाई आप ही आनर है अकाउंट के, कोई और आपका अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा है, हैक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं कोड लगाता हूँ और सबमिट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने सबमिट कर दिया और विदड्रॉल प्रोसेसिंग आ रहा है 10 USDT। ठीक है, एस्टिमेटेड टाइम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तकरीबन कोई 1 मिनट का एस्टिमेटेड टाइम आ रहा है, मगर बाद अवकात उसको 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, 1-2 मिनट में भी हो जाता है, 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और आपके जो पैसे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसको करें व्यू स्ट्रीम पे और यहाँ पे देखें ये प्रोसेसिंग चल रही है, 15 कन्फर्मेशन इसको रिक्वायर्ड हैं। अभी कोई भी कन्फर्मेशन यहाँ पर नहीं हुई क्योंकि अभी अभी हमने ट्रांसफ़र किया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम लगता है। तो तकरीबन जो मैंने आपको बताया 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर देखें 947 दिखा रहा है, अभी 944 हुए हैं, तो ये तकरीबन 3 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है। तो आप उसे रिफ्रेश भी करते हैं तो आपका जो टाइम है डिक्रीज होता रहता है, समटाइम इंक्रीज भी होता रहता है, तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये कम्प्लीट दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि समटाइम बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आपको कम्प्लीट दिखा रहा होता है, मगर आपके बायबिट के एक्सचेंज पे अभी प्रोसेसिंग चल रही होती है, कन्फर्मेशन चल रही होती है, तो समटाइम हो सकता है कि मज़ीद कुछ मिनट और भी लग जाए। तो इस वजह से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं बायबिट के एक्सचेंज पे और वहाँ पे चेक करते हैं कि ये अमाउंट रिसीव हुआ है या अभी तक पेंडिंग में है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बायबिट के एक्सचेंज में ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से हमने एड्रेस कॉपी किया था, उसको बैक करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ, ऐसे पे आते हैं। तो ये देखें यहाँ पर लिखा है 1 डिपॉजिट 2 कैश पेंडिंग कन्फर्मेशन। तो देखें जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर कम्प्लीट हो गया, मगर यहाँ पर अभी पेंडिंग चल रही है। इस पर आते हैं, तकरीबन 60 कन्फर्मेशन को चाहिए होती हैं, 40 हो गई हैं, तो ये चुटकियों में हो जाती है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये अभी कुछ ही टाइम में हो जाएगी। तो ये देखें 10 USDT हमने रिसीव कर लिए जो कि हमने ट्रांसफ़र किए थे बाइनेंस एक्सचेंज से बायबिट एक्सचेंज पर बिल्कुल फ्री। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी मसला आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।